ਨਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਲਿਆ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। दोस्तों आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो कि कुल्लड़ पिज्जा कपल के बारे में ना जानता हो। पहले ये जो कपल था अपने कुल्लड़ पिज्जा की वजह से काफी फेमस था, लेकिन इस टाइम पर सोशल मीडिया पर ये कुल्लड़ पिज्जा कपल जो है अपने एमएमएस वीडियो की वजह से लोगों के टारगेट पर है। दरअसल अचानक ही कुल्लड़ पिज्जा कपल का एक एमएमएस वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गया। इस वीडियो के अंदर जो देखा लोगों ने, उसके बाद कपल को लोगों ने बुरी तरह ट्रोल किया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि कुल्लड़ पिज्जा कपल ने यानी कि सहज अरोड़ा और गुरप्रीत ने फेमस होने के लिए अपना खुद का ही एमएमएस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कराया। हालांकि उसके बाद जब दोनों की बदनामी होने लगी तो उसके बाद सहज अरोड़ा ने बकायदा रोते हुए अपना वीडियो बनाया और लोगों से अपील की कि प्लीज इस पूरे मामले में उनका कोई हाथ नहीं है, ये वीडियो फेक है। और इसके साथ ही सहज अरोड़ा ने एक महिला के ऊपर भी आरोप लगाया कि वो महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही है इस वीडियो को लेकर और पैसे मांग रही है। सहज अरोड़ा ने ये भी बताया कि उस महिला ने बकायदा उन्हें धमकी दी है कि अगर उन्होंने उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो इस वीडियो को वो सोशल मीडिया पर लीक कर देंगी। हालांकि सहज अरोड़ा ने इस महिला की बात को नहीं माना और पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दी, लेकिन उससे पहले ही सहज अरोड़ा और गुरप्रीत का ये एमएमएस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। अब जब इतनी बदनामी हो रही है तो ऐसे में सहज अरोड़ा ने जो वीडियो बनाया वो तो बनाया बनाया, इसके साथ ही उन लोगों को भी लताड़ लगाई है जो कि उनके वीडियो को बार बार फॉरवर्ड किए जा रहे हैं और इसके साथ ही ये वीडियो लगातार सर्कुलेट किया जा रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर इस कॉन्ट्रोवर्सी के बीच में सहज अरोड़ा ने एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने मीडिया और पब्लिक से अपील की है। सहज अरोड़ा ने इस पोस्ट में लिखा कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं सिचुएशन को बार बार लोगों के सामने रखूं या फिर वीडियो बनाऊं या इंटरव्यू दूं। बिना किसी रीजन के, बिना किसी एविडेंस के फेक बयान करके हमारी छवि को खराब ना करो। पुलिस अपना काम कर रही है, राजीनामे के लिए हमें फोर्स किया जा रहा है और कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी है जिसके बाद हमने मना कर दिया है। हमारे पास सारे सबूत है। मेरे पास सारे सबूत होने के बाद कोई पॉलिटिकल प्रेशर, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। हमें इंसाफ दिलवाओ और इंटरनेट तो जो ये वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है उसे प्लीज बंद करो। ये अपील की है सहज अरोड़ा ने उन सभी लोगों से और इसके साथ ही ये भी अपील की है कि उनका साथ ज्यादा से ज्यादा दिया जाए क्योंकि उनके साथ कोई नहीं है। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।